कोरोना वायरस जो लव्स है जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इस दुनिया में तो काफी पैनिक का माहौल था। मतलब आप समझिए कि नवंबर 2020 में WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था। तो अब तो मेरे ख्याल से हम लोग के बीच में इस चीज का पैनिक नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जब फर्स्ट टाइम आया था तो लोग भाग रहे थे, पुलिस घर का दरवाजा तोड़ रही थी कि भाई पेशेंट्स को निकालो, लोग भी भाग रहे थे और उनपे एक स्टिग्मा टाइप का, गवर्नमेंट की भी गलती थी और हम लोग की भी गलती थी और लोगों की भी गलती थी, उनको दिया गया जैसे अछूत बीमारी किस्म का चीज। तो अब तो क्योंकि हम लोग इस टर्म से वाकिफ हैं तो अब कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को जानकारी हो चुकी है। लेकिन WHO की ग्लोबल इमरजेंसी इसको घोषित करने के बावजूद भी अब हम लोग इस चीज को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने हल्के में कैसे लेना शुरू कर दिया है कि अब जब दिखावे के लिए मास्क पहनने लगे हैं, हम लोग दिखावे के लिए हाथ धोने लगे हैं, दिखावे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि मास्क क्या चीज है, उसको पहनना क्यों जरूरी है। तो मास्क इसलिए जरूरी है कि अगर आपको जो कोरोना वायरस है बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है, आप उस चीज से सफर कर रहे हैं उस बीमारी से, लेकिन आप उसी में आप मास्क भी नहीं पहनिएगा तो, लेकिन दूसरों को जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है और जिनको ये बीमारी ज्यादा असर कर सकती है तो आपके जरिए उनको होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले हुआ है ऐसा और होता ही है, जैसे बच्चे हैं, जवान लोग हैं, उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, निमोनिया वगैरह नहीं है, उनको अपना है कोरोना वायरस, हल्का फल्का सर्दी खांसी हुआ, मास्क पास उतार दिया, दूसरे के नजदीक जाके छींक दिया, दूसरे को तो हो गया क्योंकि उसको ज्यादा ससेप्टेबल था वो उस चीज के लिए और वो मजीद बीमार पड़ गया, तो ऐसा तो होता ही रहता है। तो इसलिए मास्क पहनना खुद को बचाना और दूसरों को भी बचाना, मास्क दोनों काम करता है, खुद को भी बचाता है और दूसरों को भी बचाता है। दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग आपने सुना होगा, मोदी जी फोन पे बोलते हैं 1 मीटर डिस्टेंस, एक है ना बोलते हैं 1 मीटर डिस्टेंस जरूरी है, तो 1 या 2 मीटर, तो उस 2 मीटर का क्या तात्पर्य है, 2 मीटर ही क्यों, 2 मीटर ही क्यों। तो ऐसा कोई स्टडी बोलता नहीं है कि आपको 2 मीटर या 1 मीटर डिस्टेंस करने से आप बच जाइए, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो हवा की रफ्तार पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ बहुत तेज हवा चलती है तो वहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे अभी जो इंडियन एनवायरनमेंट है, टेम्परेट कंडीशंस में जो हम लोग रहते हैं, उसमें हवा एक नॉर्मल स्पीड से चलती है, तो उसमें 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर हवा चलती है तो वो 2 मीटर जो है, ड्रॉपलेट्स जब आदमी छींकता है तो ड्रॉपलेट्स निकलता है, उस ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस मौजूद होते हैं, तो वो 1-2 मीटर होते होते वो ड्रॉपलेट गिर जाता है, जिस वजह से 1 या 2 मीटर डिस्टेंस जरूरी होता है। लेकिन देखा गया है कि जो ड्रॉपलेट्स है वो 10-10 मीटर तक जा सकता है अगर हवा तेज चली तो। अब हैंड वॉशिंग भी करना बहुत जरूरी है, उसका आप लोग देखेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग का अलग एक 8 स्टेप होता है, पहले क्या धोना है, कैसे धोना है, कहाँ तक धोना है, तो वो तो साफ सफाई तो है ही जरूरी। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग को बहुत कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, ऐसे रूम्स और ऐसी जगह रहनी है जहां वेंटिलेशन हो, खिड़कियां हो, ताजी हवा चल रही हो, तो वहां होने के चांस बाहर निकल जाता है, वायरस सर्कुलेट नहीं करता है, जिस वजह से कम हो जाता है। आजकल नया, अब तो कोरोना वायरस को आए हुए बहुत दिन हो गया, जिस जो पैंडेमिक फैला था तो वो डेल्टा वेरिएंट से फैला था, कोरोना वायरस का एक फॉर्म है, बहुत सारा फॉर्म है। आजकल जो एक नया वायरस जो आ रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ऐसा लोगों में पाया जा रहा है, हमने सुना भी है कि तो माइल्ड है, ये तो कुछ नहीं है, तो माइल्ड तो है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन WHO ने इसको माइल्ड का दर्जा नहीं दिया है।
उसकी खास वजह यह है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो इसके फैलने का जो रफ्तार है, ये कई 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 गुना ज्यादा है पिछले वाले वायरस से। तो इससे नुकसान ये है कि जो बीमार लोग हैं, जो पहले से सफर कर रहे हैं कोविड 19 से या तरह तरह की बीमारियां से, जिनको निमोनिया है, लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो उन तक ये इसकी पहुंचने की रफ्तार बहुत तेज है। तो इस वजह से, क्योंकि ज्यादा लोग को होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन तो ज्यादा लोग होंगे, तो इसको माइल्ड दर्जा नहीं दिया गया है, इसको इससे भी सीवियर डिजीज हो रही है। और कब और अभी भी केस पाए जा रहे हैं, अभी भी एयरपोर्ट में कोरोना वायरस टेस्ट हो रहा है, अभी भी रैपिड एंटीजन पीसीआर टेस्ट हो रहा है। तो इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। भले गवर्नमेंट बोल रहे कि हाँ भाई आप उतना मास्क नहीं पहनिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि खुद को तो बचाना है ना भाई, इसीलिए मास्क और स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क मेंटेन करना चाहिए, और बिल्कुल दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो करें। दूसरी बात आती है कि अब वैक्सीन, बहुत लोगों में ऐसा पाया जाता है कि वैक्सीन क्या लें, जिसको जो जो जिस बंदे ने वैक्सीन लिया उसको भी तो हो रहा है कोरोना, हमको पहले कोविड 19 हो चुका है, पहले हम कोरोना हमको हो चुका है, तो अब वैक्सीन लेने से क्या फायदा है, अब हमको नहीं होगा। तो देखिए, जो मेडिकल रिसर्च और जो मेडिकल स्टडीज होती है वो एक इंसान को मद्देनजर रखते हुए नहीं होती, ये जो स्टडी होती है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 लोगों को मद्देनजर रखते हुए एक स्टडी ग्रुप में होता है। और इसमें ये पाया गया है और ये हकीकत है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लेने से फायदा हुआ है, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लेने से फायदा हुआ है। अब आप उनमें रहना चाहते हैं जो कम परसेंटेज है जिनको फायदा नहीं हुआ है, या आप उनमें रहना चाहते हैं जिनको ज्यादा परसेंटेज में और जिनको फायदा हुआ, ये आपकी समझदारी है, इस पे कोई प्रेशराइज करने की बात नहीं। अभी भी काफी लोग हैं जो वैक्सीन के अगेंस्ट है, क्यों है, क्या है, क्या वजह है, ये तो मैंने 3-4 वजह पहले बताई। और पहला बात यह है कि जब कोरोना वायरस हमको पहले हुआ है तो वैक्सीन लेने से क्या फायदा, तो ऐसा नहीं है, कोरोना वायरस दोबारा भी होता है, इसलिए वैक्सीन लेने से हमेशा फायदा है। और ये पाया गया, अगर आप वैक्सीन लिए हुए हैं और अगर आपको कोरोना वायरस हुआ, तो उसका जो बीमारी का सीवियरनेस है वो एकदम से कम होता है। वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन, उसको रेस्पिरेटरी इलनेस, उसकी मॉर्बिडिटी बहुत ही घट जाती है। अगर वही इंसान को कोरोना वायरस बिना वैक्सीन के होता तो शायद वो सीवियर होता। एक लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अब जो नया वायरस है ओमिक्रॉन वायरस, इसमें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो WHO के स्टडी के अकॉर्डिंग ये जो अभी जो हम लोग को वैक्सीन पढ़ते हैं ये ओमिक्रॉन पे कुछ खास असर नहीं हो, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें डेल्टा वायरस, जो हमारा पुराना दोस्त जो कोरोना वायरस है, वो भी घूम रहा है, तो उससे तो बचेंगे। और अगर वैक्सीन लेने नहीं लेने से डेल्टा वायरस हो गया और साथ ही साथ एक और उपहार ओमिक्रॉन का भी आपको मिल गया, तो वो तो काफी खतरनाक साबित होगा, तो इसलिए वैक्सीन लेना चाहिए। तो मोटा मोटी यही बात है कि अभी कोरोना वायरस को लाइटली नहीं लेना है, अभी ही टाइम है, अभी ही वक्त है, कोरोना वायरस फिर से जगेगा और फिर से आएगा। आपके सामने तो 2 वेव 3 वेव आ ही चुका है और तीसरा चौथा वेव भी आने में बहुत वक्त नहीं है। जिस तरह से क्यों आता है सर, जब रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, जब लोगों के चेहरे से मास्क उतर जाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये कम हो जाती है, लोग बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि आप क्या, आप तो हम मतलब आप तो इस चीज से निकल गए। यही वक्त है किसी भी दुश्मन का वार करने का। नॉर्मली भी देखा जाता है, जब आप उसको सीरियसली लीजिएगा तभी तो वो आपको सीरियसली लेगा। तो बस यही कहना था कि अभी आप अभी ये वक्त नहीं आया है कि हम लोग इस चीज को बहुत लाइटली लें, अभी भी मास्क पहनना चाहिए और चलना चाहिए, क्योंकि एक वेव और बाकी है वो आएगा, और उसके शुरुआत हमसे ना हो इस चीज का ख्याल हम लोग को रखना चाहिए।